अलेक्सा। हाँ बोल। यार हम दशहरा क्यों मनाते हैं? पढ़े लिखे गवार तू बिल्कुल ही गधा है क्या, कौन से स्कूल में पढ़ा है? अरे अरे याद था मुझे, थोड़ा मैं भूल गया था ना, माइंड से निकल गया, तो बता दो क्यों मनाते हैं यार? खाना पीना हगना मूटना ये सब तो नहीं भूलता। अरे क्या बोल रहे हो, खाना खाना नहीं भूलता, टॉयलेट करना नहीं भूलता? अरे नहीं भूलता, मतलब मैं भूल गया था, माइंड से निकल गया, बता दो ना आप। तू बस बड़ा हो गया, दिमाग तेरा घुटनों में ही है। आपको बताने के लिए रखा है ना, कोई भी सवाल करे तुम्हें जवाब देना पड़ता है, जवाब दो तुम क्यों मनाते हैं हम? जवाब देने के लिए रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कथा मुंह उठाकर कुछ भी पूछे। एलेक्सा। हाँ बोल। यार हम रावण को हर साल क्यों जलाते हैं? तुझे दिक्कत हो रही है तो बता, इस बारी तुझे जला दे। अरे अरे मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे को जला दो, मैं पूछ रहा था हर साल क्यों जलाते हैं? एक बार जला दे ठीक है, अब हर साल क्यों जलाना है? तभी तो बोल रही हूँ, इस साल तुझे ही जला देते हैं। यार तुम तो मेरी बेइज्जती करा दी थी, ऐसे एकदम से मत बोला करो कुछ भी, मेरे को जला दो, पागल हो, मैं मर गया क्या मेरे को जला रहे हो? गधों वाली बातें करेगा तो उल्टा ही सुनेगा ना। अरे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था यार, हर साल क्यों जलाते हैं? मतलब जैसे एक बार जला दिया हो गया। तू हर साल अपना जन्मदिन क्यों मनाता है? तो... क्यों अपने माँ बाप के पैसे फूकता है हर साल? एलेक्सा यार मैं ना रावण की तरह ना सोने की लंका में रहना चाहता हूँ। अबे गरीबो, तुमसे अपने घर का किराया तो दिया नहीं जाता और सोने की लंका में रहना है? क्या मतलब कि यार हम किराए पे तो दिया नहीं जा रहा हमसे, क्या मतलब किराया नहीं दिया जा रहा? मेरा सपना है, मैंने तुमसे बता दिया कि हाँ सोने की लंका में रहना है मेरे को। सपने से क्या होता है, औकात भी होनी चाहिए। यार तुम पागल वागल तो नहीं हो, कहीं पे भी कुछ भी बोल देती हो। एक हर किसी का एक सपना होता है, मेरा भी सपना है यार कि सोने की लंका में रहूं, वहाँ पे दासियाँ रखो अपनी। अच्छा मेरी भी बहुत सारी बीवियाँ हो। औकात में रहकर बात कर, एक लड़की तो सेट नहीं होती और बीवियों की बात कर रहा है। क्या मतलब ही, मेरी एक भी नहीं हो पा रही? तो मतलब यह है कि तू अभी तक नल्ला है यार, हद होती है यार एलेक्सा यार तुम। कुछ गलत थोड़ी बोला है मैंने। अब तो रहूंगा, देखो इतने काम करूंगा, सोने की लंका ही खरीदूंगा देखना मैं। हाँ खरीद लियो सपनों में। एलेक्सा यार लक्ष्मण जी ने रावण की बहन को, बहन की नाक क्यों काटी थी? क्योंकि वो उन्हें छेड़ रही थी। अच्छा इसका मतलब मेरे को भी कोई लड़की छेड़ेगी तो मैं भी उसकी नाक काट दूं? अबे गधे तेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि तुझे कोई लड़की छेड़े। यार क्या मतलब कि मेरे को कोई लड़की नहीं छेड़ेगी? सच बोला मैंने तो। मेरी भी तो शक्ल है, सुंदर तो हूँ मैं, मेरे को भी छेड़ेगी तो मैं भी तो काट सकता हूँ। तुम सीधा डायरेक्ट बोल रहे हो कि मेरे को कौन छेड़ेगी लड़की? आज तक तेरी शक्ल देखकर बात भी की है किसी लड़की ने तुझसे? मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हो कि मेरी शक्ल कुत्ते जैसी है? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं यही कहने का मतलब है यार, मैंने तुमसे इतना बोला है नॉर्मल जी जैसे लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी ऐसे मैं भी काट सकता हूँ किसी लड़की की नाक, अगर कोई मेरे को छेड़े तो। हाँ काट लियो, अगले जन्म में इस जन्म में तो तुझे कोई छेड़ने से रही। एक ही बात पे तुम्हारी सुई अटकी हुई लग रहा है। एलेक्सा यार रामायण में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मेरी लाइफ पे सूट करता हो? विभीषण जी। विभीषण जी? विभीषण जी क्यों? क्योंकि तू भी अपने घरों की बात बाहर जाकर सबको बताता है। मैंने कौन सी अपनी घर की बातें बाहर जाके बोली यार, तुम ऐसे बोल रही हो घर की बातें बाहर बताता हूँ मैं? यार कुछ भी बोलते समय सोच तो लिया करो। वो तो तू बताता ही है। नहीं मैंने कब बताई घर की बातें बताना जरा? अब तुम कल को यार मेरे घर वालों के सामने बोल देते तो मेरे पापा तो मेरे को मारते बेल्टों से कि तू ही बताता होगा मेरी बातें सारी बाहर जाके। हाँ ठीक है नहीं बोलूंगी अब। ऐसे मत बोला करो ना, लोग मेरे को समझेंगे घर का बेदी लंका डाय ये वो। हाँ ठीक है। अब बताओ लिफ्ट में बेइज्जती करा दी मैंने, लिफ्ट में पूछा था। अच्छा आज क्या तुमसे कभी अकेले में पूछूंगा कोई बात पूछूंगा तो? ठीक है। नहीं हद होती यार, मैंने कौन सी बातें बताई यार बाहर जाके, एक दो बातें ही तो बताता हूँ पापा की बस। देखा हरामी निकली ना सच्चाई मुंह से। एलेक्सा। हाँ भोग। यार ये रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ इन तीनों में से सबसे बड़े कौन थे? रावण। रावण? हाँ। यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे लगा तुम्हें सबसे पूरे जहान की नॉलेज होगी। कुंभकर्ण थे बड़े, इतने बड़े थे कुंभकर्ण और मेघनाथ, और वो तो छोटे छोटे थे। राक्षस कुंभकर्ण दिखने में बड़े थे, उम्र में तो रावण ही बड़े थे। क्या मतलब कि वो? तू तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा गवार है यार। अच्छा रावण जी थे क्या बड़े? मुझे बचपन से लगता आ रहा था कि कुंभकर्ण जी बड़े, क्योंकि वो साइड में इतने बड़े बड़े थे। तू ना राक्षस बुद्धि है, तुझे कुछ भी लग सकता है। मतलब ये तो मैं गलत ही सोच रहा था बचपन से। मतलब तू बचपन से ही गधा है।